योगी कैबिनेट की बैठक खत्म। ट्रांसफर पॉलिसी समेत 1.5 दर्जन प्रस्ताव हुए पास। औद्योगिक विकास समेत 8 प्रमुख प्रस्ताव पर भी लगी मुहर। कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस पर आज संगोष्ठी को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा बंद चीनी मिलों को सरकार ने किया शुरू। गन्ना किसानों को किया भुगतान। अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने किया खाली पदों का रिव्यू। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी मंत्रालय डिपार्टमेंट्स का किया रिव्यू। पीएमओ के ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारी। मिशन मोड में होगी सभी भर्तियां। यूपी पुलिस भर्ती के लिए रास्ता साफ। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर किया ऐलान। कहा 40,000 पदों पर होगी भर्ती। चयन बोर्ड से भर्ती को मिली मंजूरी। 10 लाख नौकरियों के ऐलान पर ओबीसी का तंज। कहा गुजरात चुनाव की वजह से नौकरी का ऐलान। महंगाई पर मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया। हिंसा के खिलाफ कार्रवाई पर बौखलाए ओबीसी। कहा नफरत का माहौल बना रही बीजेपी। योगी सुपर सीजीआई हो गए। एआईएमएम प्रमुख ओबीसी ने कहा मुसलमानों को सामूहिक सजा दी जा रही है। सभी लोगों का घर तोड़ दीजिए। एडीजी ने कहा किसी भी हाल में मौलाना तौकीद अज़ा नहीं कर पाएंगे प्रदर्शन। अफवाह फैलाने वालों पर भी की जाएगी कार्रवाई। कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड जफर हयात ने उगले राज। नई सड़क पर हिंसा के लिए उन्नाव से बुलाए गए बवाली। बाबा बिरयानी ने की थी पत्थरबाजों को पंडित। कानपुर हिंसा मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एटीएस और एसआईटी की पूछताछ में बड़ा खुलासा। उपद्रव के लिए उन्नाव से बुलाई गई थी भीड़। मास्टरमाइंड ने पूछताछ में बताया। प्रयागराज के अटाला हिंसा मामले में खुलासा। हिंसा से पहले 300 संदिग्ध नंबर थे एक्टिव। लगातार एक दूसरे से टच में थे नंबर। पुलिस की पड़ताल में हुआ खुलासा। प्रयागराज में अटाला हिंसा पर बड़ा खुलासा। हिंसा मामले में 150 संदिग्ध गाड़ियां मिली। 100 के करीब 2 पहिया और 50 संदिग्ध गाड़ियां। पैगंबरबाद में पाकिस्तान ने भड़काई भारत में हिंसा। 60,000 से ज्यादा नॉन वेरिफाइड अकाउंट से किए गए भड़काऊ। सुनियोजित षडयंत्र के तहत देश में हुई हिंसा। पाकिस्तान समेत कई और मुस्लिम देश इस साजिश में शामिल। अलग अलग हैशटैग का किया गया इस्तेमाल। यूपी में एक बार फिर शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हो सकती है हिंसा। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने कई जिलों में प्रदर्शन की आशंका जताई। पैगंबरबाद में हिंसा के बीच मौलाना तौकीर रजा का बड़ा आरोप। 2024 का चुनाव जीतने के लिए नुपुर शर्मा की हत्या करवा सकती है बीजेपी। अजाना हनुमान चालीसा बाद पर बोले तौकीर रजा। का हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए लेकिन किसी को सताने के लिए। मौलाना तौकीर रजा ने अगले शुक्रवार को धरना प्रदर्शन का किया ऐलान। कहा पैगंबर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बरेली में अगले शुक्रवार को होने वाले प्रदर्शन को लेकर पुलिस अलर्ट पर। प्रदर्शन में शामिल होने वाले लोगों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक गैर कानूनी तरीके से प्रदर्शन करने पर होगी कार्रवाई। गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज से परहेज करने की सलाह दी। उकसावे वाले मैसेज पोस्ट करने पर होगी कार्रवाई। गोरखपुर में हिंसा की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट। ड्रोन के जरिए संवेदनशील जगहों की हो रही है निगरानी। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। बिना कानूनी प्रक्रिया के मकान तोड़ने पर रोक लगाने की मांग। बुलडोजर चलवाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उचित प्रक्रिया का पालन किए बगैर यूपी सरकार कोई भी कार्रवाई ना करे। पैगंबरबाद में नुपुर शर्मा को एक और समन। 20 जून को पेश होने के लिए बंगाल पुलिस ने भेजा नोटिस। रोहिंग्या खलीक अहमद की कस्टडी रिमांड मंजूर। 12 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए खलीक। खलीक अहमद की अलीगढ़ से हुई थी गिरफ्तारी। बीएसपी के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर कसा शिकंजा। आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर दर्ज। विजिलेंस के मेरठ सेक्टर में दर्ज हुआ केस। 17 साल बाद सहकारी समिति में खत्म होगा मुलायम परिवार का दबदबा। आज पीसीएफ के सभापति और उपसभापति का चुनाव छिन जाएगी शिवपाल के बेटे की सीट। पीलीभीत में रामा इंटर कॉलेज में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने गरीब कल्याण जनसभा को किया संबोधित। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने का कार्यक्रम। चावली में तब्दील हुई सेंट्रल दिल्ली। अकबर रोड और मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भारी सुरक्षा बल। ईडी ऑफिस के चारों तरफ पुलिस ने की बैरिकेडिंग। भारी पुलिस फोर्स तैनात। दिल्ली में आज भी पुलिस ने किया ट्रैफिक डायवर्जन। नई दिल्ली में गोल डाक खाना जंक्शन पटेल चौक विंडसर प्लेन तीन मूर्ति चौक मार्ग पर नहीं चलेंगी बसें। दिल्ली पुलिस ने दोपहर 12 बजे के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया। तुगलक रोड मौलाना आजाद रोड समेत कई मार्गों पर बैरिकेडिंग। दूसरे दिन ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी करेगी पूछताछ। हिरासत में ले गए कई कांग्रेसी नेता। नेशनल हेराल्ड केस में सोमवार को राहुल गांधी से चली मैराथन पूछताछ। ईडी ने राहुल गांधी से करीब 9 घंटे पूछताछ की।
पूछताछ के दौरान अपने जवाबों से ईडी को संतुष्ट नहीं कर पा राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक कई बार एजेंसी के सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए राहुल। राहुल सोनिया पर 50 लाख लगाकर 2000 करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप। इसी मामले में राहुल गांधी की ईडी के सामने हो रही है पेशी। यूपी रेरा ने 10 बिल्डरों को जारी किया नोटिस। सुनवाई के दौरान मौजूद न होने के आरोप। 16 से 18 जुलाई तक होने वाली सुनवाई में उपस्थिति की जरूरत। कानपुर में प्लाईवुड गोदाम में लगी भीषण आग। आसमान में उड़ती आग की लपटों ने इलाकों में फैलाई दहशत। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मुजफ्फरनगर में दिल्ली देहरादून रोड पर चलती कार में लगी आग। कार सवार दो लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। लखनऊ में शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। आग की चपेट में आने से पान की दो दुकान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मथुरा में सीएनजी पंप के पास लगी आग। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे पर स्थित पंप पर आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। बिजनौर में ब्रश फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग में लाखों का माल जलकर हुआ खाक। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। झांसी में एक मकान में लगी आग। हालांकि समय रहते आग पर पाया गया काबू, जिसके चलते बड़ा हादसा होते होते चला। रायबरेली में ग्राम प्रधान के घर पर बम से हुआ हमला। गाड़ी और एक बाइक जलकर हुई राख। पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया। रायबरेली में गंगा में डूबी युवती की तलाश में पहुंची एसटीएफ की टीम। गंगा स्नान करने गए थे बहन भाई। भाई का शव बरामद। बहन की हो रही है तलाश। कुशीनगर में तेज रफ्तार बस ने ट्रक में मारी टक्कर। 4 यात्रियों की मौके पर मौत। 29 लोग घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। गाजियाबाद के इंद्रापुरम में 15 लाख रूपये की लूट। एक प्राइवेट कंपनी की कलेक्शन एजेंट पर हमला कर 15 लाख रूपये लूट ले गए बदमाश। फरुखाबाद में अतिक्रमण अभियान के दौरान फड़क गई सिटी मजिस्ट्रेट। होटल मालिक को लगाई फटकार। होटल मालिक पर अपशब्द बोलने का आरोप। मुरादाबाद में हुई हिंसा के बाद पैरा मिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। हिंसा मामले में अब तक 35 आरोपी की हुई है गिरफ्तारी। महाराजगंज के अचानक सड़क पर अजगर सांप देखते ही लोग दहशत में। आनन फान में लोगों ने मच्छरदानी में अजगर को पकड़कर उन भाग को सौंपा। बस्ती में एक शख्स ने की अजीबोगरीब हरकत। ससुराल जाने के लिए गाड़ी नहीं मिलने पर दिनदहाड़े थाने से ही गाड़ी चोरी करके ले गया। रायबरेली में फांसी पर लटके मां और दो बेटियों के शव घर में मिले। तीनों के शव को पुलिस से कब्जे में लेकर जांच शुरू की। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस को वसूली करते लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। कलेक्टरगंज थाना क्षेत्र के एक्सप्रेस रोड का मामला। बुलंदशहर पहुंचे गुरनाम सिंह चडूनी ने खुर्जा के सारंगढ़ में विशाल जनसभा को संबोधित किया और किसानों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक होने की बात कही। आगरा में फतेहाबाद पुलिस टीम ने की बड़ी कार्रवाई। अवैध कारतूस का फार करने वाले गैंग के 6 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। हिंसा की घटनाओं के बाद अलर्ट पर रायबरेली पुलिस। संवेदनशील इलाकों में पुलिस अधीक्षक खुद भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर मार्च कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के NH91 पर कार स्कूटी की आमने सामने भिड़ंत। हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत। कार सवार दो लोग घायल। मेरठ पानीपत रेल लाइन को बागपत के चौगामा क्षेत्र से निकालने की मांग तेज। हरियाणा के पानीपत तक बनाई जाने वाली रेल लाइन का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ। सपा विधायक राममूर्ति वर्मा ने डीएम और एसपी से की उपद्रव के मामले में मुलाकात। प्रशासन के उपद्रवियों का पोस्टर जारी करने पर उठाया सवाल। सीतापुर में शौचालय में भगवान के चित्र वाले टाइल्स लगाए जाने का वाद बढ़ता जा रहा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क को जाम कर नारेबाजी। देवरिया में ऑर्केस्ट्रा संचालक की हत्या का खुलासा। प्रेम प्रसंग में हुई थी हत्या। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आज करीब 63,000 करोड़ का बजट पेश करेगी धामी सरकार। किसानों और महिलाओं को मिल सकता है बड़ा तोहफा। शाम 4 बजे पेश होगा बजट। देहरादून में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस का हंगामा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया हंगामा। पुलिस की कार्यशैली पर उठाए सवाल। देहरादून में कांग्रेस विधायकों का धरना प्रदर्शन। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र शुरू करने की मांग। उत्तराखंड के काशीपुर का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। अचानक रिक्शा मुड़ने पर एक बच्ची गिर जाती है, लेकिन सिपाही की सूझबूझ से बच्ची बच जाती है। शहरों के बाद अब उत्तराखंड के रुड़की में भी एचपी के पेट्रोल पंप खाली। तेल कंपनियों की आपसी लड़ाई के चलते मैदान से पहाड़ तक मचा हाहाकार। भारत की तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया शुभारंभ। सिर्फ 4 साल के लिए सेना में होगी अग्निवीरों की भर्ती। मिलेगा अच्छा वेतन। दिल्ली के बाजारों की ब्रांडिंग करेगी केजरीवाल सरकार। रोजगार बजट योजना से होगा पुनर्विकास। दिल्ली में डेंगू मरीजों की संख्या में हुआ इजाफा। इस साल डेंगू के अब तक 126 मामले आए सामने। सिर्फ जून महीने में ही डेंगू के 15 मामले आए सामने। यूपी में हो रही बुलडोजर की कार्रवाई का आईसा कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर भारी पुलिस बल रहा तैनात। दिल्ली में खुले में कचरा जलाने के खिलाफ 30 जून तक चलेगा अभियान। कई टीमें कचरा जलाने वाले स्थानों का निरीक्षण करेंगी।
दिल्ली की गर्मी ने जून में 4 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। असम के गुवाहाटी में बारिश से आम लोगों की बड़ी परेशानी, कई जगहों पर हुआ जलभराव। पुरी में भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा, भारी संख्या में पुरी जगन्नाथ पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में केजरीवाल कैबिनेट के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर सुनवाई, खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए दाखिल की गई है अर्जी। सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका, राव रेवेन्यू कोर्ट के सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई। महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे कल आएंगे अयोध्या, भगवान रामलला करेंगे आशीर्वाद। आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे को लेकर कार्यकर्ता उत्साहित, 1200 कार्यकर्ता ठाणे रेलवे स्टेशन से अयोध्या के लिए रवाना। चलती ट्रेन पर जानलेवा स्टंट, तेज रफ्तार ट्रेन की छत पर भाग रहे युवक, अमेरिका के ब्रुकलिन शहर का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। बीच सड़क पर खौफनाक हादसा, 2 कारों के बीच टक्कर, ओवरटेक करने के चक्कर में भिड़ी कारें, सड़क किनारे चल रहा युवक बाल बाल बचा। बारात में युवक ने उड़ाई नोटों की गड्डी, 5 रुपए की गड्डी हवा में उड़ती देख लोगों की लगी भीड़, हैदराबाद का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। मॉल में खरीदारी करने के बाद युवक को जल्दबाजी पड़ी महंगी, तेजी से भाग रहे युवक का बिगड़ा बैलेंस, जमीन पर गिरा युवक। आसमान से गिरी बिजली पेड़ से टकराई, एक शख्स ने कैमरे में कैद किया दुर्लभ घटना, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। पार्क में निकला भारी भरकम अजगर, क्रेन की मदद से अजगर को निकाला गया बाहर, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। सामान ले जाते वक्त मजदूर का बिगड़ा बैलेंस, जमीन पर गिरा मजदूर, गनीमत रही मजदूर को ज्यादा चोट नहीं लगी। मैक्सिको में तूफान के साथ तेज बारिश, कई इलाकों में बत्ती हुई गुल, शॉपिंग मॉल को भारी नुकसान। रूस के वोरोनो शहर में भारी बारिश बनी मुसीबत, सड़कों पर कई फीट जमा पानी, पानी में डूबी गाड़ियां। अमेरिका के एरिजोना में जंगल के अंदर भीषण आग, करीब 4000 एकड़ जंगल जलकर खाक, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। इराक में रेतीले तूफान से भारी तबाही, बगदाद में तूफान से लोगों की बढ़ी मुसीबत। बीसीसीआई ने पूर्व भारतीय खिलाड़ियों और अंपायर्स की पेंशन बढ़ाने का किया ऐलान, 75% से 100% तक बढ़ेगी पेंशन। आज विशाखापट्टनम में खेला जाएगा टी20 सीरीज का 3रा मैच, 5 मैचों की टी20 सीरीज में साउथ अफ्रीका ने 2-0 की बढ़त बना ली। आईसीसी वनडे रैंकिंग में पाकिस्तान से पिछड़ा भारत, 4 महीने में कोई वनडे सीरीज ना होने से टीम इंडिया 5वें स्थान पर पहुंचा। फिनलैंड में होने वाले पावो नुमी गेम्स में हिस्सा लेंगे जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा का सामना जोहान्स विंटर और एंडरसन पीटर से होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा बना चैंपियन, आखिरी दिन हरियाणा के खाते में 10 गोल्ड मेडल आए, महाराष्ट्र 2रे स्थान पर रहा। संजय लीला बंसाली की फिल्म हीरा मंडी में नजर आएंगी मशहूर एक्ट्रेस रेखा, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी फिल्म। त्रिशा पाटनी बड़े पर्दे पर ग्लैमर का लगाएंगी तड़का, फिल्म एक विलन रिटर्न में नजर आएंगी, फिल्म योद्धा में भी नजर आएंगी। कमल हासन स्टार फिल्म विक्रम 200 करोड़ के क्लब में हुई शामिल, फिल्म ने 2रे वीकेंड में बंपर कमाई की। एक्ट्रेस सिप्ती डिमरी संग रोमांटिक हुए विकी कौशल, एक गाने की शूटिंग की तस्वीरें हुई लीक, क्रोशिया में अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं विकी कौशल। आदित्य रॉय कपूर की फिल्म ओम द बैटल विद इन का टाइटल बदलकर राष्ट्र कवच ओम हुआ है, 1 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म, फिल्म में एक पैरा कमांडो की कहानी।